नमस्कार, विश्व न्यूज 24x7 में आप लोगों को सुस्वागत। जी हाँ, पाकिस्तान सेना ने कल जो हमला हुआ उसका बाद जारी बयान में अफगानिस्तान का सुरक्षा बलों पर बिना उकसाव के हमला करने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान सेना ये भी बताया है कि इस हमले में अफगानिस्तान का सुरक्षा बलों ने आर्टिलरी और गोला बारूद का भी इस्तेमाल किया है, जिसका बाद पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। सोमवार रॉयटर्स के मुताबिक कंधार पुलिस प्रवक्ता हाफिज सवेर ने बताया कि इस हमले में पाकिस्तान का भी एक सैनिक मारा गया और 10 अन्य लोग घायल हुए, जिसमें 3 हम लोग शामिल हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा, अफगान बॉर्डर फोर्स की बेवजह गोलीबारी के कारण चमन में कई पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ये सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। अफगान सरकार का अधिकारी नूर अहमद ने बताया है कि दोनों पक्ष के बीच बातचीत के बाद घटनास्थल पर हालत सामान्य हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक अफगानिस्तान की सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि दोनों पक्ष के बीच झड़पें तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान सुरक्षा कर्मियों को अफगान क्षेत्र में सीमा पर एक नया चेक पोस्ट बनाने से रोका। वही चमन जिले के पुलिस अधिकारी अब्दुल्ला कासी ने पाकिस्तानी अखबार डॉन को बताया कि पाकिस्तानी क्षेत्र में मोर्टर सेल गिरने के बाद दोनों पक्ष के बीच गोलीबारी शुरू हुई है। अफगानिस्तान की सीमावर्ती प्रांत कंधार की चमन चौकी दोनों देश के बीच व्यापार और आवाजाही का मार्ग है। पाकिस्तानी सरकार ने इस हमले के बाद अफगान सरकार से बात करके मामले की गंभीरता स्पष्ट की है, इस पर कड़े कदम उठाने की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब इस क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक झड़पे देखने को मिला है। पिछले महीना इसी तरह के संघर्ष के बाद ये रास्ता कई दिनों तक बंद रहा था। उस मामले में एक हथियारबंद अफगानी शख्स ने सीमा पार करके पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया था, जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक का मौत हो गया था और 2 लोग घायल हुए। इसके साथ ही पिछले महीने खेबर पख्तूनख्वा प्रांत की कुरेम जिला में सड़क निर्माण को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद सीमा पार से हुई अफगान गोलीबारी में 8 लोग घायल हुए थे, जिनमें 2 बच्चे और 3 पैरामिलिट्री जवान शामिल थे। इन सीधे टकराव से इतर दोनों पक्ष परक्ष रूप से एक दूसरे को साथ टकराव के मुद्दा में आ रहा है। दोनों देश के बीच हुए इस ताजा गोलीबारी से ठीक 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके सुरक्षा बलों ने अफगान गांव का पास 4 ISI के चरमपंथियों को पता लगाकर उन्हें मार दिया। IS के नाव 2 दिसंबर को काबिल स्थित पाकिस्तानी दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें दूतावास के अधिकारी जबुदूर रहमान निजमानी को निशाना बनाया गया था। इस हमले में निजमानी सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनके निजी सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इसी बीच पाकिस्तान सरकार का तहरे के तालिबान की ओर से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबान सरकार ने ही इस गुट के साथ पाकिस्तान की बातचीत शुरू करवाई थी। इसे पाकिस्तान का तालिबान कहा जाता है। टीटीपी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगने जनजातीय क्षेत्रों में अपनी हुकूमत चलाता है, इसी वजह से वो पाकिस्तान सेना की मौजूदगी नहीं चाहता है और इस वजह से फौज उसका टकराव से बच नहीं पा रहा है। इस गुट के साथ वार्तालाप शुरू होने का कोशिश भी बहुत बार किया है, बहर कोशिश नाकाम होने के लंबे सिलसिले के बाद इस महीने की शुरुआत में TTP ने सरकार का साथ संघर्ष विराम का खत्म का ऐलान कर दिया है। TTP ने इस घोषणा के साथ ही अपने सदस्यों को देश भर में हमला करने का आदेश दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में सेना और TTP के बीच एक और खूनी जंग का खतरा अब और बढ़ गया है। इसके साथ ही नागरिकों पर भी TTP के हमला का खतरा बढ़ गया है। TTP देश में अल्पसंख्यक महिलाओं और उदारवादियों पर हमला करना चाहता है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।